मधुपुर के निशा कुमारी का मामला अब झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता तक पहुंच चुकी है। मृतिका निशा कुमारी को लेकर जहां सोशल मीडिया में जस्टिस फॉर निशा का ट्रेंड लगातार जारी है, वहीं मधुपुर के कई मंच, संगठन, अधिवक्ता संघ समेत स्थानीय लोगों ने निशा के परिजनों को न्याय दिलाने और दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। इसी मुद्दे को लेकर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव शबाना खातून ने आज स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से मिलकर मधुपुर की रहने वाली मृतिका निशा कुमारी के इलाज के दौरान बरती गई लापरवाही के बारे में विस्तार से जानकारी दिया। साथ ही उन्होंने अनुराग हॉस्पिटल और दोषी चिकित्सक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए निशा को न्याय दिलाने की मांग की। आपको बता दें कि गत 5 सितंबर को अनुराग हॉस्पिटल में करीब 23 वर्षीय निशा कुमारी का CBD यानी पथरी का ऑपरेशन अस्पताल के चिकित्सक आलोक मोहन सिन्हा द्वारा की गई थी। ऑपरेशन के बाद से ही निशा की हालत नाजुक बनी हुई थी, उन्हें रेफर कर दिया गया था। कोलकाता के एक अस्पताल में 28 सितंबर को इलाज के दौरान निशा की मौत हो गई। इसके बाद निशा के परिजनों ने अनुराग हॉस्पिटल के डॉक्टर और प्रबंधन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। मामले को लेकर प्रशासन द्वारा जांच कमेटी गठित की गई है। इधर स्वास्थ्य मंत्री ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पीड़ित परिजनों को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। अनुराग हॉस्पिटल में जो निशा कुमारी का इलाज के दौरान मौत हो गई, उसको न्याय दिलाने के लिए मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर अपनी बातों को रखा। उन्होंने आश्वासन दिया है कि उनके परिजन और निशा कुमारी को न्याय मिलेगा, जिला प्रशासन से मैं बात कर न्याय दिलाऊंगा, यही उन्होंने कहा। तो यही प्रयास है कि निशा कुमारी को जल्द से जल्द उसके परिजन को न्याय मिले और निशा कुमारी को भी न्याय मिले। इसीलिए मैं रांची आई और स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर अपनी बातों को रखा।